नमस्ते, हरिओम। मौसम ऐसा चल रहा है कि आजकल आप अपने आसपास जिसको देखें उसे या तो खांसी हो रही है, या थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर नाक में गले में बलगम जमा है, या फिर वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बुखार हो रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं इस बदलते मौसम में परेशान हो रहे हैं और हम इस परेशानी का समाधान ढूंढते हैं एंटीबायोटिक्स में। हमें लगता है एंटीबायोटिक्स खा करके बस तुरंत से हमको आराम मिल जाएगा, पर आप तुरंत से आराम प्राकृतिक तरीके से भी पा सकते हैं। अगर आपको गले में दर्द है, थ्रोट इन्फेक्शन है, गला पक रहा है, या आपको नज़ला जुकाम हो रहा है, रनिंग नोज है, या फिर आपको बुखार है, या शरीर पूरी तरह से दर्द कर रहा है, वायरल फीवर है या कोई और बुखार है, आज हम जानते हैं एक ऐसा भोज्य पदार्थ जिसको अगर आप सेवन करते हैं तो ये आपकी जितनी जमा गंदगी है छाती में और नासिका में और गले में उसको बाहर निकाल देता है और आपको सडन रिलीफ मिलता है अपने गले के दर्द में, सांस लेने में अगर दिक्कत है तो उसमें, नाक बंद है तो उसमें, और जितने भी कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम्स हैं उन सब में आपको सडन रिलीफ मिलता है। इसको सरल भाषा में हलीरा कहा जाता है। कुछ लोग इसे बेसन का हलवा भी कह सकते हैं, बट एक्चुअली ये एग्जैक्टली हलवा नहीं है। ये एक ऐसा पारंपरिक भोज्य पदार्थ है जो बहुत बहुत सालों से इस समस्या के लिए प्रयोग किया जाता है। आप कभी बहुत क्राउड में जाइए, कहीं से कोई इन्फेक्शन पकड़ के ले आते हैं, आप इसको खाइए, आप देखेंगे एक बार के मील में ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप इसे 2 से 3 दिन कंटिन्यू भी कर सकते हैं, पर प्रतिदिन नहीं खा सकते हो इसे, क्योंकि एक तो ये गर्म बहुत होता है और दूसरी चीज इसमें क्योंकि चिकनाहट बहुत है तो आप इसको कॉन्टिन्यूसली नहीं खा सकते। 1 से 3 दिन तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। सीधा चलते हैं रसोई में और जानते हैं कि ये हमको कैसे बनाना है। हम आ गए हैं हमारी रसोई में। सबसे पहले कढ़ाई को गरम होने के लिए रख दीजिए। फिर इस कढ़ाई में हम डालेंगे गाय का शुद्ध देसी घी। जब ये घी पूरी तरह से गरम हो जाए तब इसमें, इसको मेल्ट हो जाने दीजिए, तब इसमें आप डालिए मखाने, थोड़े से काजू, मखाना ज्यादा डालिए, काजू कम डालिए, और ड्राई फ्रूट्स जो आप डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह से पक जाने दीजिए और फिर जब ये थोड़े ब्राउन हो जाए तो इनको निकाल करके प्लेट में अलग कर दीजिए। इस कढ़ाई को हमें गैस से नहीं हटाना। अब इसमें और अधिक मात्रा में घी डालिए। घी और बेसन इसका मेन इंग्रेडिएंट है। आप घी और डालिए, अच्छे से घी डालिए, गाय का शुद्ध देसी घी, और इसको गर्म हो जाने दीजिए अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन डालते हैं, बहुत अधिक नहीं डालना। हम ये एक व्यक्ति के क्वांटिटी के हिसाब से बना रहे हैं तो हमने ये 2 चम्मच बेसन डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लंप्स नहीं बनने चाहिए, गांठ नहीं बननी चाहिए। अगर गांठ बन गई तो ये सारी आपकी डिश खराब हो जाएगी, फिर इसका ना तो स्वाद रहेगा ना इसका कोई लाभ रहेगा। तो इसको हिलाते रहिए ताकि आपके लंप्स ना बने। और फिर आपको जब ये अच्छी तरह से भून जाए बेसन, यानी बेसन का टेक्सचर, बेसन का कलर चेंज हो जाना चाहिए, हल्का ब्राउन हो जाना चाहिए, येलोइश होता है, ब्राउन हो जाए, तब आप इसमें पानी डालिए। धीरे धीरे से पानी डालते रहिए और इसे हिलाते रहिए। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि पानी गर्म ना हो, गर्म होगा तो गांठ बन जाएगी। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए और धीरे धीरे डालना है और चलाते रहना है ताकि लम्प्स ना बने। अब हमने इसमें भरपूर मात्रा में पानी डाल लिया है। पानी डालने में बहुत ज्यादा भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जब ये पानी डल गया इसको थोड़ी देर गर्म हो जाने दें और फिर इसमें 2 चम्मच हम शक्कर जागरी पाउडर डालेंगे, चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे। जागरी पाउडर डाल दीजिए। अब इसे उबलने दीजिए। हमको ये अगर थोड़ा थिक लग रहा है थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं इसमें, क्योंकि बेसन तो पानी को एकदम सोख लेता है, तो पानी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जब ये उबल गया तब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने पहले भुने थे वो इसमें डाल दीजिए, थोड़ा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और एक उबाल और आने दीजिए ताकि वो भी थोड़े से इसके इसमें मर्ज हो जाए। बस ये हमारा हलीरा पूरी तरह से रेडी। एक बोल में इसको निकालिए, ये बिल्कुल रेडी है और इसको गरम गरम ही खाना है। इसको खाते समय एसी ना चला करके रखें, पंखा भी ना चला करके रखें। जब आप इसे गर्मी में भी जब आप इसे खाओगे आपको पसीना आना शुरू होगा,
आपको विशेष रूप से गले पर माथे पर पसीना आएगा, उस पसीने को निकल जाने दीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा फीवर है तो आप गले को लपेट करके कपड़े से भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसको खाने के 10-15 मिनट तक आपको पसीना आएगा, उस पसीने को निकल जाने दीजिए। उसी के माध्यम से आपकी जितना भी ये इन्फेक्शन शरीर के अंदर है वो निकलेगा। आप इस प्रयोग को, ये एक जाना परखा प्रयोग है, हम तो हमेशा करते हैं। जरा सा अगर बच्चे को भी गला खराब हो गया, घर में किसी को भी हो गया, तो आप ये दे दीजिए, तुरंत 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। इसी तरह से एक दूध बनाने की भी विधि है। वो दूध अगर आप घर पर बना लीजिए और रात्रि में उसको पी लीजिए, जो दूध बनाने की विधि है, आप देखेंगे सुबह तक आपका बुखार, सर्दी, जुकाम सब दूर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं उस स्पेशल दूध की रेसिपी जानना, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। गुरु माँ बताएं वो कैसे बनना है। ये आपके परंपराओं, आपके ट्रेडिशन, आपके कल्चर के कुछ ऐसे छुपे हुए खजाने हैं जो आपकी रसोई में ही है, बस हमें इनका बोध नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत योगा यूट्यूब चैनल से इन खजानों को, इन ट्रेजर्स को आपकी लाइफ में लेकर के आए। आप हमारे सभी वीडियोस को अंग्रेजी में देखने के लिए भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। एंड टू कंटिन्यू वॉचिंग ऑल ऑफ आवर वीडियोस इन हिंदी, स्टे हियर एट भारत योगा। और हमारे सभी डिस्कोर्सेस को देखने के लिए भारत योगा डिस्कोर्सेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। आप अपना प्रेम, अपना फीडबैक और अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हमें जरूर भेजते रहें। हम आने वाले एपिसोड्स में आपके सभी समस्याओं का समाधान लेकर जरूर आएंगे। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।